नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते सबसे पहले बड़ी खबर है, आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। इस बार IMA से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हो रहे हैं, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़ेंगे, भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। और इस बार पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स में मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी शामिल हैं। 8 मित्र देशों में अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान की सेना को 68 युवा सैन्य अधिकारी मिलने वाले हैं। पासिंग आउट परेड में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले CDS बिपिन रावत को भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल होना था, लेकिन दुर्भाग्य से हादसा हुआ जिसमें हमने अपने जनरल को खोया। और आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से ये पासिंग आउट सेरेमनी होगी IMA में, जिसकी तस्वीरें भी कुछ देर के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शामिल हुए हैं। 387 जेंटलमैन शामिल हैं और 319 जो फौजी हैं वो आज देश की सेना को मिलने जा रहे हैं IMA से। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, भारतीय सेना को 319 जांबाज आज यहां से मिलेंगे। हर किसी का सपना होता है, जो भी सेना में जाने का जुनून रखता है उसका ये सपना कि भारतीय सैन्य एकेडमी से वो पास आउट हो, और आज 319 जांबाजों का यही सपना पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद है मुख्य अतिथि के तौर पर, वो सलामी लेंगे। 387 जेंटलमैन कैडेट्स हो रहे हैं पास आउट, और साथ ही साथ अलग अलग देशों से भी जो कैडेट्स हैं वो भी यहाँ से निकलेंगे। अफगानिस्तान उसमें शामिल है, म्यांमार है, तंजानिया है, तुर्कमेनिस्तान है। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो हादसा हुआ है 8 तारीख को, जिसमें देश के पहले CDS को देश ने खोया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भव्य तरीके से जो इस सेरेमनी को मनाने की तैयारी थी उसको रोक दिया गया है। बहुत ही शांति के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से, सादगीपूर्ण तरीके से ये सेरेमनी यहाँ पर होगी। जो जाबाज सेना में शामिल होंगे आज के बाद से, उनके परिजनों को भी यहाँ पर आने की अनुमति है, वो भी इस पूरे पासिंग आउट परेड के दरमियान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 8 मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट्स में शामिल हैं। CDS बिपिन रावत को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन हादसा होने के बाद पूरा उत्तराखंड, पूरा देश शोकाकुल है। भारतीय सैन्य अकादमी को भी बहुत बड़ा झटका एक तरीके से लगा, और ये कहा जा रहा था कि जो तैयारियां यहाँ पर लंबे वक्त से चल रही थी परेड को लेकर, उन तैयारियों को रोक दिया गया जब यह हादसा 8 दिसंबर को हुआ। अब इसी पर आपको तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जाबाजों के परिजनों से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आज 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं। मेरे साथ में संजय खत्री जी हैं, जो कर्नल साहब हैं और आर्मी में ऑफिसर हैं। सर, आज आपके बेटे भी यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, किस तरह से आप कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा करियर है, इसलिए मैंने अभी आर्मी को करियर चुना था 35 ईयर्स बैक, और 1986 आई गॉट कमीशन, एंड इसलिए मैंने अपने लड़के को मोटिवेट किया कि वो भी आर्मी में ज्वाइन करे और अपने देश की सेवा करे। और दो तीन दिन पहले बहुत ख़राब हादसा हुआ जिसमें CDS साहब हमारे ख़त्म हो गए, एंड उन्होंने अपने इतने अच्छी उन्होंने सर्विस करी, अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले हमारे जो लोग पास आउट हो रहे हैं, हमारे GCs और मेरा लड़का भी, अपने लिए देश के लिए बहुत बहुत सेवा करें। अच्छा सर, जब जैसे यहाँ से पास आउट होंगे तो किस तरीके की सेवा रहती है, एक जज्बा देश के लिए, देश पर मर मिटने के लिए, किस तरीके से? खुद आप खुद इस चीज़ को देखते आए हैं, आपको खुद एक्सपीरियंस इस चीज़ का? ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है आर्मी, और उसके बाद फिर 2 साल फील करेंगे, 2 साल पीस करेंगे, और फिर जहाँ भी जाते हैं वो लोग उसको इन्जॉय करते हैं। ग्लेशियर में भी जाएंगे, CI ऑप्स में भी जाएंगे, और एक तरीके से ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, अपना खूब अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा लग महसूस होता है।
मैम, इस पल का भी सब्री से माँ बाप को भी इंतज़ार रहता है, कैडेट्स को तो रहता ही है, आपके बेटे भी आज पास आउट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई और आज खुशी भी है इस बात की। हाँ, ये तो बहुत ही गर्व का महसूस है, स्पेशली क्योंकि मेरा बेटा एक्स एनडीए है और ट्वेल्थ के बाद ही उसने ये मतलब मन में सोच लिया था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो शुरू में उसको थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन इतनी कठिन परिश्रम के बाद जब वो आज 4 साल के बाद बेटा मेरा कमीशन होने जा रहा है तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। आप बताइए, आज भाई सेना में अफसर बनने जा रहा है, कैसे कितनी खुशी? बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव करना, बिकॉज मैंने अपने भाई को बहुत क्लोजली देखा है। दिस इज लाइक मोमेंट ऑफ लक्ष्य कि जैसे यू नो जैसे ऋतिक दिखाते हैं कि उसमें कि वो बिल्कुल लेथार्जिक एंड लेजी होता है, सो आई हैव सीन माय ब्रदर लाइक दैट, वेरी हैप्पी गो लकी एंड हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड अचानक से इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैन। सो यस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू सी हिम लाइक दिस। बेटा इस फैमिली का आज भारतीय सेना में अफसर बनने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। अब इसी पर आईएमए से मेरे सहयोगी विनोद खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां की हैं वो बताएंगे हमको। विनोद, जितना इंतजार आपने बातचीत भी की अभी परिजनों से भी, जितना इंतजार खुद जांबाजों को होता है उससे ज्यादा उनके परिजन इंतजार करते हैं कि उनका बेटा सेना को ज्वाइन करे, कैसी तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल दीपा, आपने देखिए ठीक कहा कि जितना इंतज़ार जेंटलमैन कैडेट्स को रहता है पास आउट होने का, उससे ठीक ज़्यादा उनके परिजनों को रहता है। इस बार की जो पासिंग आउट परेड है, यानी आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड होनी है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा आखिरकार जो तैयारियाँ हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएँ कि ये तैयारी है, जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो इस जगह पर आ गए हैं और इस पूरे प्रांगण में जेंटलमैन कैडेट्स पहुँच चुके हैं। और मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊँ कि आज 387 जेंटलमैन कैडेट्स इस प्रांगण से पास आउट होंगे, जिसमें अपने 319 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स हैं और 68 अपने मित्र राष्ट्र के जेंटलमैन कैडेट्स शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, और उस नेपाल है। तमाम ऐसे जो मित्र राष्ट्र हैं, भारत के मित्र देश हैं, उनके भी जेंटलमैन कैडेट आज यहां से पास आउट होंगे। और इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर यानी कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुँचने वाले हैं, इस परेड की ओर सलामी लेंगे। और इस कार्यक्रम में दीपा सीडीएस विपिन रावत को भी पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्य से देश और प्रदेश के सामने इस तरीके की बुरी गमगीन खबर आई है कि इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाए हैं। राज्य में राजकीय शोक है। और मैं आपको चेटवुड बिल्डिंग दिखाऊं जहां पर ये जेंटलमैन कैडेट्स खड़े हैं और सामने राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन राजकीय शोक के कारण राष्ट्रीय ध्वज भी झुका हुआ है क्योंकि राज्य में 3 दिनों का शोक है। ऐसे में जो इस बार की जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी के इस प्रांगण में परेड हो रही है उसको देखते हुए तमाम जो जश्न मनाते थे, जो यानी जो ये जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से जब पास आउट होंगे उसके बाद में पीपिंग सेरेमनी होती है, उसमें भी जश्न मनाया जाता है। उसके बाद में तमाम जेंटलमैन कैडेट अपने इस जब पास आउट होते हैं उसका जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश के सामने एक गमगीन खबर है, गमगीन माहौल है, उसको देखते हुए इस बार के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इस बार सिर्फ परेड होगी, उसके बाद एक अनौपचारिक तरीके से पीपिंग सेरेमनी होगी। जो परिजन जेंटलमैन कैडेट्स के यहाँ पर पहुँचे हैं वो पीपिंग सेरेमनी करेंगे, लेकिन कोई जश्न नहीं होगा क्योंकि देश और प्रदेश गम में डूबा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी से ही जनरल बिपिन सिंह रावत का ताल्लुक है, यहीं के रहने वाले थे और इस कार्यक्रम में भी वो शामिल होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शामिल नहीं हो सके। चलिए, पूरी तैयारी थी विनोद, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं पूरी तैयारी वहां पर थी कि इस पूरे सेरेमनी को भव्य बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, सीडीएस को हमने खोया, उसके बाद उत्तराखंड और देश भर में शोक की लहर है और परिस्थितियां हालात वैसे रहे नहीं हैं पहले की तरह, इसलिए बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से यहां पर इस सेरेमनी को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय सेना को 319 जांबाज आज मिलने जा रहे हैं, पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे महामहिम रामनाथ कोविंद, वो भी वहां पर कुछ ही देर के बाद
पहुंचेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं भारतीय सैन्य अकेडमी की तरफ और बहुत खास दिन आज के लिए होता है, खास तैयारियां की जाती हैं बहुत पहले से। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, CDS और साथ में 11 जवानों को हमने खोया, CDS की पत्नी मधुलिका रावत और CDS कुल मिलाकर के 13 योद्धाओं को हमने खोया है, उसके बाद सादगीपूर्ण तरीके से ये सेरेमनी यहाँ पर रखी गई है। अब चूंकि लगातार वहां पर हलचल हो रही है, जो परिजन हैं जाबाजों के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होते हैं सभी के लिए। उत्तराखंड देवभूमि रही है, वीरों की भूमि है उत्तराखंड, और इसीलिए यहाँ पर सेना में जाने का जज्बा और भी दोगुना हो जाता है। लगातार जो सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं वो बचपन से ही यही सोच करके बढ़ते हैं कि उनको सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, और आज उसी सपने को साकार होता हुआ जांबाज देखेंगे और उनके परिजन भी उसके गवाह बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज CDS रावत की अस्थियों का विसर्जन होगा। CDS की पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों का भी विसर्जन आज होना है। हरिद्वार के VIP घाट पर गंगा में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां दोनों की। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है। वैदिक विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। CDS की बेटी कृतिका और तारिणी अस्थियां लेकर के हरिद्वार पहुंचेंगी और फिर खबर यह है कि 10 बजे के आसपास विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन होगा। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का कल अंतिम संस्कार हुआ दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में। उसके बाद अब आज ये खबर है कि हरिद्वार में उनका VIP घाट पर गंगा में विसर्जित की जाएंगी उनकी अस्थियां। अब दुखों का पहाड़ किस तरीके से परिवार पर, पूरे उत्तराखंड पर, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी से ही बिपिन रावत आते थे, अभी भी वहां पर आप देख रहे हैं गांव में मातम पसरा हुआ है, सन्नाटे में पूरा उत्तराखंड है, और परिवार पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, दो बेटियों की क्या इस वक्त स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अस्थि विसर्जित किया जाएगा CDS रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें तो दिल्ली से विशेष विमान के जरिए अभी कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे हरिद्वार में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो तमाम सारी अस्थियां थी उनको बकायदा पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। इस अवसर पे अगर बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई सारे नेता भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में अगर बात करें तो भारतीय सेना के विशेष विमान से जो परिवार है CDS जनरल बिपिन रावत का, वो हरिद्वार पहुंचेगा और फिर जो आगे परंपरा है उसको पूरी विधि विधान से करते हुए अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। कितना वक्त और लगेगा यहाँ VIP घाट पहुंचने में दोनों बेटियों को? अविनाश, देखिए अगर बात करें तो तकरीबन 10:15 से 10:30 के बीच में परिवार पहुंचेगा वहां पे, और फिर जो वहां पे तमाम सारे पंडित वगैरह मौजूद हैं उनके अनुसार फिर तमाम सारे रस्में की जाएंगी और उसके बाद फिर अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। इस अवसर पर अगर बात करें तो CDS जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां, इसके अलावा दामाद और एक जो उनका पौत्र था वो भी वहां पे मौजूद रहेगा, और इसके साथ साथ अगर बात करें परिवार के कुछ और सदस्य भी मौजूद रहेंगे जिसमें मधुलिका रावत के भाई भी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। यहां दिल्ली से अगर बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बहुत मुश्किल वक्त से पूरा परिवार गुजर रहा है, आज अस्थि विसर्जन किया जाएगा दोनों का, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है। आज सदन में पटल पर रखे जाएंगे 8 विधेयक। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को निरस्त करने पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से सदन पटल पर रखे गए हैं 8 विधेयक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण देवस्थानम बोर्ड एक्ट है जो निरस्त करने के लिए सदन के पटल पर रखा गया है। अब आज का दिन अहम है, तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का। कल तकरीबन 1353.79 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। सदन के भीतर देवस्थानम बोर्ड एक्ट को निरस्त करने को लेकर आज चर्चा होगी और इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आपने देखा देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दिया। आज तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का, आप देखेंगे जब वहां पर सत्ता और विपक्षी दलों के विधायकों की मौजूदगी होगी तो हंगामा होना लाजमी है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरती रही है वो कांग्रेस हो या फिर तमाम विपक्षी दल हो, और आज का दिन भी बहुत अहम है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ देहरादून से मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते। पंकज, आज का दिन भी बहुत अहम है, देवस्थानम
बोर्ड के गठन के बाद से ही लगातार हमने देखा विपक्ष किस तरीके से हमलावर भी रहा और आज भी चर्चा होगी इसके निरस्तीकरण को लेकर। क्या लग रहा है, कितना हंगामा हो सकता है? बिल्कुल दीपा, देखिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सरकार के लिए जो एक बड़ी मुसीबत बना था देवस्थानम बोर्ड, उसको सरकार ने भंग कर दिया था, उसको आज सदन पटल पर निरस्त करने के लिए रखा गया है और विपक्ष और सत्तापक्ष उस पर चर्चा के बाद उस विधेयक को जो निरस्त करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे और जो एक्ट बनाया था, कानूनी एक्ट जो बन गया था, उसको आज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि मैं जानकारी भी दे दूँ कि इससे पहले जो विपक्ष है वो कानून व्यवस्था को लेकर भी आज सरकार पर हमलावर होने वाला है क्योंकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे यशपाल आर्य, उनका मुद्दा विधानसभा में गूंजा था उनको लेकर, उसको ही लेकर आज फिर एक बार जो सदन में चर्चा की मांग विपक्ष करने वाला है। इसके साथ साथ विपक्ष के पास अन्य कई मुद्दे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दीपा, जिस तरह से कल एक मुख्यमंत्री के पीआरओ का लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उसको लेकर भी विपक्ष ने काफी हंगामा काटा था सदन के भीतर, उस मुद्दे को उठाया था, उसकी जाँच की मांग की थी, तो उसकी जाँच सरकार अपने स्तर से करा रही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है वो देवस्थानम एक्ट का रहने वाला है। देवस्थानम एक्ट को लेकर सरकार आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में चर्चा की जाएगी और उसको निरस्त करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद 11 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी, पहला प्रश्नकाल होगा, उसके बाद सदन और सरकार और सत्ता पक्ष के बीच जो भी महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखेगा, विधानसभा सत्र को लेकर लगातार नजर बनी रहेगी। आपको सीधे ये लिए चल रहे हैं, भारतीय सैन्य अकेडमी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं जो सलामी लेंगे आज, क्योंकि पासिंग आउट परेड का मौका है और इसलिए वहां पर मौजूदगी है महामहिम रामनाथ कोविंद की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दिन ऐतिहासिक गौरवपूर्ण क्षण उत्तराखंड के लिए, देश के लिए। सेना में 319 जांबाज आज से जुड़ेंगे, शामिल होंगे। न सिर्फ इन जाबाजों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व करने वाला पल है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, इसी का इंतजार यहाँ पर हो रहा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, वो सलामी ले, उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़े। बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई थी भव्य बनाने की इस पूरे सेरेमनी को, लेकिन वो हो नहीं पाया। कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन उसके इतर ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं उत्तराखंड के लिए, वीरों की भूमि, जहाँ पर IMA पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। यहाँ से जाबाज निकलेंगे हिंद की सेवा के लिए, जज्बे के साथ, जुनून के साथ यहाँ से बाहर निकलते हुए सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके परिवार वालों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। कितना अहम ये क्षण हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि लंबा इंतज़ार करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम के बाद आज का ये दिन आता है जब पासिंग आउट परेड का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और इसका लंबे वक्त से इंतज़ार, और उसके बाद आज की घड़ी सामने है, 319 जाबाज देश को आज मिलने जा रहे हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी की तस्वीरें दिखाते हैं, पासिंग आउट परेड वहां पर, उसी की तस्वीरें आपके सामने है, ये एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। महामहिम रामनाथ कोविंद की मौजूदगी वहां पर है और पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें सभी को गौरवान्वित कर देती हैं भारतीय सैन्य अकेदमी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी यहाँ पर, सभी की सलामी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेते हुए, और आज के बाद से 319 सैनिक भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और साथ ही जो 68 सैनिक हैं वो अलग अलग मित्र देशों के हैं, वो भी यहां से पास आउट होंगे और लंबे परिश्रम के बाद आज का ये दिन इन जाबाजों के सामने है, देश के सामने है, जब हिंदुस्तान की सेना में ये भी अपना योगदान अब दे पाएंगे। Thank you.
भाई भाई ओ भाई जुनून जज्बे से भर देने वाली तस्वीरें हैं, देश सेवा की भावना से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं और आज से इन जाबाजों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।